click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरु जी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं फिर से आप लोग के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर लेके आ चुका हूँ। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है विलेन के ऊपर। सो विलेन में बहुत सारा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछते हैं। सो आज हम लोग विलेन के ऊपर टोटल देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आपने नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको नेटवर्किंग रिलेटेड फुल वीडियो मिल जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक एंड प्रेस द बेल आइकन एंड मोर अपडेट्स। अगर मेरे चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच। सो मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल कर रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, तब भी मुझे पता चलती है मेरा वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलेन का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर एक छोटा सा इंट्रो के बाद। विलेन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप विलेन के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं, कैसे हम लोग विलेन को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करके रखा है। अगर आपने चेक किया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं चेक किया है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ज़रूर दे दूँगा, आप चाहेंगे तो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विलेन का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर क्या है। तो देखिए फर्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन आते हैं तो देखिए व्हाट इज़ द विलेन, ये आपको इंटरव्यू में पूछती है 100% श्योर, तब आपको बोलना पड़ेगा विलेन लॉजिकली ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन L2 स्विचिंग नेटवर्क, तब आपको बोलना पड़ेगा क्या। मैं फिर से आप लोग के लिए एक बार बोल देता हूँ। तो देखिए विलेन लॉजिकली ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन L2 स्विचिंग नेटवर्क। देन इसके बाद यहाँ पर सेकंड जो हम लोग का क्वेश्चन जो आते हैं तो देखिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ विलेन, जो हम लोग विलेन क्रिएट करेंगे एक तो उसका एडवांटेज क्या है, विलेन को क्रिएट करने में हम लोग का एडवांटेज क्या है, तब आपको एडवांटेज बोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया है। तो देखिए आपको जैसा पसंद आती है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आते हैं तो देखिए रिड्यूस द सीपीयू लोड ऑन ईच डिवाइस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिवाइस इन ए ब्रॉडकास्ट डोमेन। सेकंड जो पॉइंट आते हैं तो देखिए रिड्यूस द सिक्योरिटी रिस्क बाय द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिवाइस इन ए ब्रॉडकास्ट डोमेन टू रिसीव फ्लडेड फ्रेम्स, ब्रैकेट में देखिए ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट अननोन यूनिकास्ट बाय स्विचेस। देन थर्ड जो आती है तो देखिए इम्प्रूव द सिक्योरिटी बाय द सेपरेटिंग होस्ट बाय डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। फोर्थ जो आते हैं तो देखिए प्रोवाइड फिक्सेबल डिजाइन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप वाइज। तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा हम लोग के लिए ऑप्शन के लिए हम लोग विलेन को क्रिएट करते हैं। जो फर्स्ट देखिए रिड्यूस सीपीयू लोड, ज़्यादा सीपीयू लोड ना हो तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक विलेन क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद जो डिपार्टमेंट वाइज जो देखिए लास्ट में जो है तो देखिए प्रोवाइड द फिक्सेबल डिज़ाइन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप वाइज। तो देखिए हम लोग जब विलेन क्रिएट किए थे तब हम लोग ने क्रिएट किए थे जो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट वाइज हम लोग विलेन किए थे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट, तो ऐसे होते हैं तो तब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग एडवांटेज क्या है विलेन का जो डिपार्टमेंट वाइज हम लोग विलेन को क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो देखिए इम्प्रूव द सिक्योरिटी बाई द सेपरेटिंग होस्ट बाई द बाई डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो देखिए इम्प्रूव सिक्योरिटी by the separating hosted by different broadcast domain, then ये सब आपको है advantage of the VLAN। then इसके बाद हम लोग second जो जाते हैं, second हम लोग question क्या है तो देख लेते हैं।
तो देखिए और भी एक है जो देखिए टू आइसोलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। आप इधर तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 पॉइंट हैं, तो यहाँ पर 5 पॉइंट से आप 2 पॉइंट को आपको बोलना ही पड़ेगा मोस्टली इम्पॉर्टेंट, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसको भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आप जो बोल रहे हैं आप अच्छी बोल रही है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ पर मैंने ज़्यादा दे दिया है, आपको जैसा बेटर लगे इस पॉइंट से आप बोल सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन जो आते हैं, तो देखिए नेटिव विलन। तो देखिए मैंने नेटिव विलन अभी अभी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, तो मैं जल्दी मैं नेटिव विलन क्या है एंड नेटिव विलन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैं जल्दी इसके लिए ट्यूटोरियल दूंगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। देन यहाँ पर देखिए नेटिव विलन क्या है, नेटिव विलन सपोर्टेड बाई 802.1Q ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन। नेटिव विलन ट्रैफिक डज नॉट एट विलन टैग व्हेन इट ट्रेवल्स ओवर द ट्रंक पोर्ट। विलन इज डिफॉल्ट नेटिव विलन बट वी कैन चेंज इट। तो देखिए यहाँ पर जो देखिए नेटिव विलन सपोर्टेड, नेटिव विलन सपोर्ट करती हैं जो 802.1Q ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन। नेटिव विलन ट्रैफिक डज नॉट द एट डज नॉट, देखिए नेटिव विलन ट्रैफिक डज नॉट एट विलन टैग, एट विलन टैग व्हेन इट ट्रैवल्स ओवर द ट्रंक पोर्ट। देन विलन वन इज डिफॉल्ट नेटिव विलन बट वी कैन चेंज इट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब एक स्विच को ओपन करते हैं तो स्विच में हम लोग देखते हैं जो एक बाय डिफॉल्ट विलन वन पहले से ही हम लोग को रहती है, जो विलन वन रहती है वही है हम लोग का नेटिव विलन। एंड इसके बाद तो देखिए नेटिव विलन ट्रैफिक डज नॉट ऐड, जो ट्रैफिक जो जाते हैं ट्रैफिक डज नॉट ऐड विलन टैग, जो विलन का जो ट्रैक होती है व्हेन इट ट्रैवल्स ओवर द ट्रंक पोर्ट, जो ट्रंक पोर्ट के ऊपर से जाती है। देन विलन वन इज डिफॉल्ट नेटिव विलन बट वी कैन चेंज इट। देन इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो आते हैं, व्हाई विलन वन इज डिफॉल्ट नेटिव विलन, जो हम लोग का बाय डिफॉल्ट स्विच में जो विलन वन होती है उसको डिफॉल्ट नेटिव विलन बोलते हैं, उसको क्यों बोलते हैं तो चलिए देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इन ए स्विच देयर ओनली वन विलन, विलन वन। तो देखिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, जो देखिए विलन आप जब आप स्विच को कनेक्ट करेंगे, स्विच को देखेंगे, स्विच को देखने के बाद ओपन जाएंगे तो तब आपको एक विलन वन जो दिखाएगा वो है नेटिव विलन। तो देखिए सो विलन इज द नेटिव विलन बाय डिफॉल्ट, ये हमेशा रहती है विलन वन, आप जब भी देख लीजिए वो है बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन। देन इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, तो देखिए व्हाट आर द स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड रेंज ऑफ द विलन। स्टैंडर्ड रेंज क्या है, तो देखिए 1 से लेकर 1500 ये है स्टैंडर्ड रेंज। जो देखिए विलन का 2 रेंज होती है, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है एक्सटेंडेड रेंज। स्टैंडर्ड रेंज क्या है, स्टैंडर्ड का रेंज इसका वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 1500। देन इसके बाद जो हम लोग एक्सटेंडेड क्या है, एक्सटेंडेड देख लेते हैं। तो एक्सटेंडेड है, तो देखिए एक्सटेंडेड रेंज है 1006 से लेकर 4096, यह है एक्सटेंडेड रेंज। ये दोनों रेंज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इंटरव्यू में पूछती हैं, बट ये किस लिए पूछती हैं, इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है इन दोनों का वैल्यू को जानने के लिए देखते हैं, जो हाँ आप जानते हैं कि नहीं। देन इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, तो देखिए व्हाट आर द डिफॉल्ट एंड रिजर्व विलन्स। तो देखिए विलन आईडी 1, तो देखिए विलन आईडी 1 में देखो देखिए 1002 से लेके 1005 आर द डिफॉल्ट विलन। तो देखिए विलन आईडी 1 में जो हम लोग को देखिए जब आप शो इंटरफेस ब्रीप मारेंगे तो तब आपको दिखाएगा, शो इंटरफेस विलन ब्रीप देखेंगे तो आपको दिखाएगा जो विलन
आपको बाय डिफॉल्ट 5 विलेंस टोटल रहती है जो एक स्विच में। तो देखिए विलेन 1 का है तो देखिए 1002 से लेके 1005 आर डिफॉल्ट विलेन एंड विलेन आईडी 0 एंड विलेन आईडी 4095 आर रिसिप्ट। ये आपको दोनों बोलना पड़ेगा। जो देखिए व्हाट आर द डिफॉल्ट एंड रिजर्व विलेन, डिफॉल्ट विलेन क्या है तो डिफॉल्ट आपको बोलना पड़ेगा 1002 से लेके 1005 एंड विलेन डिफॉल्ट क्या है सो लेके विलेन आईडी 0 विलेन आईडी 4095 आर द रिसिप्ट। देन इसके बाद देन देखिए व्हाट इज द एक्सेस एंड ट्रंक लिंक। तो देखिए व्हाट इज द एक्सेस एंड ट्रंक लिंक क्या होती है। तो देखिए द लिंक ऑन व्हिच एंड एंड यूजर इज कनेक्टेड एंड थर्ड सेकंड जो है तो देखिए द लिंक ऑन व्हिच एंड अनदर स्विच इज कनेक्टेड। तो देखिए एक्सेस एंड ट्रंक लिंक क्या है तो देखिए द लिंक ऑन व्हिच एंड एंड यूजर इज कनेक्टेड। जो एंड यूजर होती है वो एंड यूजर कनेक्ट होती है एंड द लिंक ऑन व्हिच द अनदर स्विच इज कनेक्टेड। अगर आप एक्सेस लिंक क्या है ट्रंक लिंक क्या है तो ये आप नहीं जानते होंगे तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो ट्यूटोरियल क्लियर करके रखा है। अगर आपने देखा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं देखा होगा तो आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेश्चन है अभी भी आप इसके वीडियो के नीचे मैं ज़रूर लिंक दे दूंगा उसका, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन जो देखिए व्हाई डू वी नीड टू द ट्रंकिंग। तो देखिए फॉर मल्टीपल विलेन कम्युनिकेशन, फॉर मल्टीपल विलेन जो एक नहीं एक दो तीन चार जितना सारा मल्टीपल विलेन कम्युनिकेशन करने के लिए तो देखिए व्हाई डू वी नीड ट्रंकिंग फॉर मल्टीपल विलेन कम्युनिकेशन। देन इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो आते हैं तो देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है व्हाट आर द ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या है तो देखिए 802.1Q नहीं तो आप लोग जो बोलते हैं जो सभी जो बोलते हैं .1Q ये ITPL स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअली ओपन स्टैंडर्ड है एंड ISL जो है ISL का जो फुल फॉर्म है तो देखिए इंटर स्विचिंग लिंक, ये सिस्को प्रोपर्टरी है, ये सिस्को ने बनाया है, ये ओपन सोर्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी पूछती हैं कभी कभी। देन इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट इज द विलेन आईडी। विलेन आईडी क्या है तो देखिए द नंबर व्हिच ए विलेन इज आइडेंटिफाई यूनिकली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेन। तो देखिए हम लोग का विलेन आईडी जो होती है वो क्या है तो देखिए द नंबर व्हिच ए विलेन आइडेंटिफाई यूनिकली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेन्स। तो देखिए हम लोग जब एक विलेन क्रिएट करते हैं विलेन का एक नंबर देते हैं, नंबर देने के बाद कोई भी नेम देते हैं तो उससे पता चल जाती है हाँ मेरा ये अकाउंट डिपार्टमेंट का ये मेरा विलेन है, ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट का है। नहीं तो नंबर नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है जो डिफरेंट। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है तो देखिए द डिफरेंट व्हिच ए विलेन डिफाइंड यूनिकली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेन्स। देन इसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो देखिए व्हाट इज द DTP एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ द DTP। तो अगर आप DTP भी कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो DTP के ऊपर भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करके हैं पहले से, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ज़रूर दे दूंगा DTP का, आप लोग चाहेंगे तो DTP का देख सकते हैं एंड कुछ भी प्रॉब्लम है आप देख लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं देन व्हाट इज़ द DTP। तो DTP क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द DTP। तो देखिए DTP का जो फुल फॉर्म होती है तो देखिए डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज टू फ्रॉम ट्रंक लिंक विथ नेगोशिएशन बिटवीन टू स्विचेस इट इज़ द सिस्को प्रोप्राइटरी। तो देखिए DTP का जो फुल फॉर्म होती है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये यूज होती है ट्रंकिंग लेयर विद नेगोशिएशन बिटवीन द टू स्विचेस के अंदर एंड ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। देन DTP मोड्स
आर डायनामिक डिजायरेबल एंड डायनामिक ऑटो। डीटीपी मोड्स क्या है? डीटीपी डायनामिक डिजायरेबल एंड डायनामिक ऑटो। देन इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो देखिए 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं व्हाई डू वी नीड सेम नेटिव विलेन इन एवरी स्विच इन ए लेयर टू नेटवर्किंग। तो देखिए व्हाई डू वी नीड द सेम नेटिव विलेन इन एवरी स्विच ऑफ लेयर टू नेटवर्किंग। तब आपको बोलना पड़ेगा जो देखिए इफ द नेटिव विलेन इज नॉट सेम इन एवरी स्विचेस लेयर टू नेटवर्क देन ट्रैफिक कैन लीक विथ एनदर विलेन। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो आपको थोड़ा सा हटके जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए तो देखिए व्हाई डू वी नीड सेम नेटिव विलेन इन एवरी स्विच ऑफ ए लेयर टू नेटवर्किंग। इफ जो इसका आंसर है, तो देखिए आप आंसर का थोड़ा सा फॉलो करिए। तो देखिए इफ द नेटिव विलेन इज नॉट सेम इन एवरी स्विचेस इन ए लेयर टू नेटवर्क देन ट्रैफिक कैन लीक विथ एनदर विलेन। देन इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ विलेन 0 एंड विलेन 4095। तो देखिए इसका पर्पस क्या है, विलेन 0 का पर्पस क्या है एंड विलेन 4095 का इसका पर्पस क्या है। तो देखिए विलेन 0 का पर्पस है, तो देखिए विलेन 0 इज यूज फॉर द प्रायोरिटी ट्रैफिक एंड जो विलेन 4095 इज यूज्ड बाय iOS फॉर ITS इंटरनल यूज। देन इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो आती है, तो देखिए व्हाट इज द मैनेजमेंट विलेन क्या होती है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकती है। तो तब आपको बोलना पड़ेगा, तो देखिए द विलेन थ्रू व्हिच ए स्विच इज एसेस फॉर मैनेजमेंट पर्पस और द विलेन व्हिच होल्ड्स द मैनेजमेंट आईपी एड्रेस फॉर रिमोट एड्रेसेस। तो देखिए मैनेजमेंट विलेन क्या है, मैनेजमेंट विलेन को आप तब को बोलना पड़ेगा जो देखिए द विलेन थ्रू व्हिच ए स्विच एसेस फॉर मैनेजमेंट पर्पस और द विलेन व्हिच होल्ड्स द मैनेजमेंट आईपी एड्रेस फॉर द रिमोट एक्सेस। ये होती है मैनेजमेंट विलेन। ये थोड़ा सा हटका है, ये भी थोड़ा सा हटका है, मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं तो आप लोग को और भी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो देखते हैं, तो देखते हैं क्या है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, तो देखिए वायर स्विच सेव क्लीन आईडी। तो देखिए हम लोग जब वायर स्विच सेव क्लीन आईडी, तो देखिए इन विलेन डैट डॉट डैट फाइल व्हिच इज स्टोर इन फ्लैश मेमोरी। जो हम लोग जो विलेन जो डैट फाइल रहती है ये स्टोर फ्लैश मेमोरी में ये रहती है। देन इसके बाद जो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी विलेन आईडी कैन बी क्रिएटेड ऑन ए स्विचेस। तो थियोरिकली मैक्सिमम 4065, बट वी कैन क्रिएट मैक्सिमम 255 विलेन इन ए स्मॉल कैटलिस्ट स्विच। तो देखिए हम लोग एक स्विच में कितना सारा विलेन क्रिएट कर सकते हैं, तो थियोरिकली हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 4064 जो 4065 है, बट वी कैन क्रिएट मैक्सिममली 255 विलेन इन स्मॉल कैटलिस्ट स्विच। 255 से ऊपर हम लोग विलेन को क्रिएट नहीं कर सकते, लास्ट 255 ये छोटा कैटलिस्ट स्विच के लिए है, बड़ा स्विच होगा तो वो अलग बात है। देन इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कैन वी क्रिएटेड एक्सटेंडेड विलेन बाय डिफॉल्ट इन ए कैटलिस्ट। जो इसका मॉडल नंबर है देखिए 2950 2960 355 3560 3750 स्विचेस। तो देखिए नो स्विच मोड शुड बी इन VTP ट्रांसपेरेंट मोड।
तो देखिए, कैन वी क्रिएटेड एक्सटेंडेड विलेन बाय डिफॉल्ट इन कैटलिस्ट स्विच, जो देखिए इसका मॉडल नंबर है, तो यहाँ पर है इसका आंसर नो। स्विच मोड शुड बी इन बीटीपी ट्रांसफरेंस मोड। देन इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन जो आते हैं, तो देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ विलेन आईडी 1002 से लेके 1500। तो देखिए ये फॉर FDDI एंड टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए व्हाट इज द यूज, ये कहाँ पर यूज होती है, जो 1002 से लेके 1005 तक, ये फॉर FDDI टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में यूज होती है। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इट इज द पॉसिबल टू द कॉन्फिगर इंटर विलन राउटिंग ऑन द L2 स्विच। तो देखिए ऑन ए सिंगल स्विच इट इज नॉट पॉसिबल, बट इफ वी हैव टू डिफरेंट विलेंस ऑन टू डिफरेंट स्विचेस देन यूजिंग एक्सेस पोर्ट इम्पॉसिबली, बट दिस इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द इंटरवल राउटिंग। तो देखिए आई होप आप लोग जानते होंगे जो इंटरविलन राउटिंग जो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इसके ऊपर भी जल्दी ट्यूटोरियल दूंगा, इंटरविलन राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंटरविलन राउटिंग क्या है, मैं डिटेल्स में बोलूंगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं जो, देखिए इट इज़ द पॉसिबल टू द कॉन्फिगर इंटरविलन राउटिंग ऑन L2 स्विच में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ऑन ए सिंगल स्विच इट इज़ द नॉट पॉसिबल। तो देखिए कभी भी एक स्विच में हम लोग इसको पॉसिबल नहीं है इसको कर पाना, बट If we have the two different VLAN on two different switches, but यहाँ पर देखिए दोनों different VLAN हैं, मान लीजिए एक 10 VLAN है एक 20 VLAN है, and यहाँ पर मान लीजिए दोनों switch हैं, then using access port in the possible, but this is the not feasible solution for interval routing. देन इसके बाद तो जो 20 नंबर क्वेश्चन आती है, तो देखिए व्हिच कमांड यूज टू स्टॉप द DTP ट्रंकिंग पोर्ट। तो देखिए स्विच पोर्ट नेगोशिएशन कमांड ऑन द ट्रंक पोर्ट। देन जो देखिए व्हिच कमांड, ये कौन सा कमांड आप देंगे तो यूज स्टॉप द DTP, ये मेरा DTP ऑफ हो जाएगा जो ऑन ट्रंक पोर्ट। जो देखिए स्विच पोर्ट नेगोशिएटेड कमांड ऑन ट्रंक पोर्ट। देन इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, टेल मी सम डिफरेंस बिटवीन द ISL एंड द .1Q ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन। तो देखिए फर्स्ट जो आती है ISL फॉर द इस एंड सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, जो देखिए ISL सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, एंड 802.1Q जो हम लोग .1Q भी बोलते हैं, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो IEEE। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा था, तो देखिए टेल मी सम डिफरेंस बिटवीन ISL एंड .1Q ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन, जो देखिए ISL इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। देन इसके बाद तो देखिए सपोर्ट्स अप टू द 1000 VLAN, ये सपोर्ट करती है 1000 VLAN, and then original frame encapsulation and a new header is interested encapsulation process. So, dekhe original frames is a encapsulation and new header is interested encapsulation process. Then iske baad ye 26 bits header and 4 byte FCS, yahan par 26 bytes header rehti hai and 4 bytes FCS रहती है। FCS का जो फुल फॉर्म है, तो देखिए फ्रेम चेक सीक्वेंस आर द इंटरेस्टेड, हेंस टोटल ऑफ द 30 बाइट्स ओवर हेड। देन ISL टैग ऑफ द नेटिव विलेन, ये होती है जो ISL के बारे में आपको पूछ सकती है, जो ISL के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको बोल सकती हैं, तब आपको बोलना पड़ेगा जो है ISL ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर सपोर्टेड करते हैं 100 VLAN, ये यहाँ पर 26 बाइट हेडर हैं एंड 4 बाइट FCS हैं, एंड ये ISL टैग फॉर नेटिव VLAN, ये आपको थोड़ा सा बोल सकती हैं।
देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं 8021Q, जो देखिए इट इज एंड IEEE स्टैंडर्ड फॉर 8012U सपोर्टेड फॉर द 4096 विलेन। तो यहाँ पर देखिए ISL में देखिए 1000 विलेन यहाँ पर सपोर्टेड करती है, बट 8021Q यहाँ पर देखिए 4096 विलेन यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो देखिए इन 8021Q एनकैप्सुलेशन प्रोसेस ए 4x TAC इंटरेस्टेड इनटू द ओरिजिनल फ्रेम एंड FCS फ्रेम चेक द सीक्वेंस इज रिकैलकुलेटेड। तो देखिए 802 एनकैप्सुलेशन प्रोसेस टोटल यहाँ पर 4x TAC इंटरेस्टेड इनटू ओरिजिनल फ्रेम फॉर्म FCS। FCS का फुल फॉर्म है फ्रेम चेक सीक्वेंस, मैंने यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है। तो देखिए FCS का फुल फॉर्म है FCS, ये इंटरव्यू में पूछ सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस इज रिकैलकुलेटेड। देन इसके बाद हम लोग जो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट और भी एक पॉइंट है जो देखिए 8021Q डज नॉट द नेटिव विलेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए पहले जो ISL में जो था, तो देखिए ISL TAC नेटिव विलेन, देन 8021Q, तो देखिए 8021Q डज नॉट, ये सपोर्ट ही नहीं करती है नेटिव विलेन को। देन इसके बाद 22 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन यूजिंग द डायनेमिक डिजायरेबल एंड द डायनेमिक ऑटो मोड ऑन स्विच टू द स्विच लिंक। तो देखिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पर डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक ऑटो एंड ट्रांसपोर्ट एंड DTP एंड विलेन, इस सब के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करके रखा है। अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते होंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा भूल चुके होंगे, तो मैं इसके वीडियो के नीचे मैं ज़रूर इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद थोड़ा सा एक बार जान लीजिए, देन इसके बाद देखिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है ये सब जब आप पढ़ेंगे तो। देन इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो आती है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो मोड ए स्विच टू स्विच लिंक। तो देखिए फर्स्ट जो आती है, वन साइड द डायनेमिक डिजायरेबल एंड अनदर साइड द डायनेमिक ऑटो द लिंक विल बी बिकम ट्रंक। तो देखिए देन इसके बाद सेकंड जो आती है, तो देखिए वन साइड द डायनेमिक ऑटो एंड अनदर साइड ऑफ द डायनेमिक ऑटो, तो तब आपको यहाँ पर होगा द लिंक विल बी एक्सेस पोर्ट। देन इसके बाद थर्ड जो आती है, तो देखिए वन साइड द डायनेमिक डिजायरेबल एंड अनदर साइड द डायनेमिक डिजायरेबल द लिंक विल बी बिकम ट्रंक। तो देखिए ट्रंक कब होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर भी एक स्विच है। तो देखिए ये स्विच है, यहाँ पर भी एक स्विच है, ये दोनों में ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन का है। तो देखिए यहाँ पर भी डायनेमिक डिजायरेबल है, डायनेमिक डिजायरेबल, यहाँ पर डायनेमिक ऑटो है, तब भी यहाँ पर ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए वन साइड द डायनेमिक डिजायरेबल, तो देखिए वन साइड मतलब है ये साइड डायनेमिक डिजायरेबल हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन किया है, एंड अनदर साइड जो अनदर साइड है ये पार्ट है, तब ये वह है डायनेमिक ऑटो, द लिंक विल बी ट्रंक। देन इसके बाद जो देखिए वन साइड द डायनेमिक ऑटो एंड अनदर साइड द डायनेमिक ऑटो, तो देखिए यहाँ पर भी डायनेमिक ऑटो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किया है, बट यहाँ पर भी डायनेमिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन किया है, दोनों जगह में इस साइड एंड इस साइड, जब भी दोनों हम लोग डायनेमिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो ये तब हो जाएगा एक्सेस पोर्ट, तब ये ट्रंक पोर्ट कभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। बट इसके बाद जो सेकंड जो लास्ट हम लोग का जो आते हैं, तो देखिए वन साइड द डायनेमिक डिजायरेबल एंड अनदर साइड द डायनेमिक डिजायरेबल द लिंक विल बी ट्रंक। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने हम लोग ने फिर से डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है ये पार्ट, एंड ये पार्ट भी हम लोग ने डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तब भी ये हम लोग का ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछती है, इसके लिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मेरा कौन सा डायनेमिक डिजायरेबल है, कौन सा डायनेमिक ऑटो है, कब
कौन सा मेरा डायनेमिक डिजायरेबल रहेगा एंड उस दूसरा साइड भी मेरा कौन सा रहेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देन इसके बाद जो देखिए 23 क्वेश्चन, तो देखिए हाउ डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो मोड वर्क। जो देखिए डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो मोड वर्क कैसे काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डायनेमिक डिजायरेबल इंटीग्रेटेड ट्रंकिंग नेगोशिएशन एंड द डायनेमिक ऑटो पैसिवली लिसनिंग फॉर द ट्रंकिंग नेगोशिएशन। डायनेमिक डिजायरेबल इंटीग्रेटेड ट्रंकिंग नेगोशिएशन एंड डायनेमिक ऑटो पैसिवली लिसन फॉर द ट्रंकिंग नेगोशिएशन, ये होती है डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो में वर्क। देन इसके बाद 24 जो हम लोग क्वेश्चन जो आते हैं, हाउ एंड एक्सेस स्विच पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। स्विच पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट में हम लोग का काम क्या है, तब आपको कैसे बोलना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए डेटा रिसीव ऑन एंड एक्सेस पोर्ट इट अटैच विद विलेन आईडी कॉन्फिगर ऑन डैट पोर्ट एंड रिमेनिंग अराउंड द स्विचेस which data leaving the access port, it is remove the VLAN ID from the data and raw data sending the end user device। तो देखिए मैंने फिर से मैं आप लोग को बोल देता हूँ। तो देखिए data received on the access port, जब data receive होती है access port में, तब it attach VLAN ID configure, तब इसके साथ VLAN ID का attach हो जाती है and configure that the port and remaining अराउंड द स्विच व्हेन डेटा लिविंग द एक्सेस पोर्ट, जब ये लिविंग जो छोड़ जाती है जो एक्सेस पोर्ट से, तब यहाँ पर इसका जो विलेन आईडी होती है इसका रिमूव हो जाती है। देन फ्रॉम द डेटा रॉ डेटा सेंडिंग द एंड यूजर डिवाइस, जो मेरा जो डेटा है वो एंड यूजर के पास आ जाती है, तब इससे पहले मेरा जो रिमूव हो जाती है मेरा विलेन आईडी। देन इसके बाद व्हेन डेटा ट्रेवल्स ओवर द ट्रंक पोर्ट इट इज टैग विद द विलेन आईडी एंड सेंडिंग टू अनदर स्विच। जो मेरा देखिए व्हेन द डेटा, जब भी मेरा डेटा ट्रेवल कर रही है ओवर द ट्रंक पोर्ट, इट इज द टैग विद विलेन आईडी विद सेंडिंग द अनदर स्विच। देन इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, हाउ 20 देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हाउ एन एक्सेस स्विच पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछती रहती है। जो मेरा हाउ टू एक्सेस स्विच पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट में मेरा काम कैसे होती है, तब आपको ये पॉइंट आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ये पॉइंट आप बोल देंगे तो कोई बात नहीं है। देन इसके बाद 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, 25 क्वेश्चन में देखिए हाउ स्विच बिल्ड्स ए मैक कैम टेबल। जो देखिए मेरा कैम टेबल क्या है, तो देखिए हाउ स्विच बिल्ड ए मैक कैम टेबल, तो देखिए व्हेन ए फ्रेम कमिंग टू द स्विच पोर्ट स्विच कलेक्ट द सोर्स मैक एड्रेस फ्रॉम द फ्रेम एंड बिल्डिंग मैक टेबल। तो देखिए व्हेन फ्रेम कमिंग टू द स्विच पोर्ट स्विच कलेक्ट सोर्स मैक एड्रेस, मेरा सोर्स मैक एड्रेस कौन सा होगा, फ्रॉम द फ्रेम बिल्डिंग मैक टेबल। तो देखिए हाउ स्विच बिल्ड्स ऑफ द मैक पर कैम टेबल, जो बोलते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, तो व्हेन ए फ्रेम कमिंग द स्विच पोर्ट, व्हेन जब मेरा When a frame coming the switch port, switch collect the source MAC address from the frame and building MAC table. Then इसके बाद हम लोग next question जाते हैं। तो देखिए मेरा next question है मेरा, what is the command to the check MAC table? हम लोग MAC table को कैसे check करेंगे, तब आपका जो command देना पड़ेगा, तो देखिए show MAC address table, तो ये कमेंट आप देंगे तो तब आपको मैक टेबल टोटल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जो आप मैक टेबल भी देख सकते हैं। देन इसके बाद जो 27 जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए व्हेयर ए स्विच
से विलेन आईडी, जो मेरा हम लोग जो विलेन जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ये विलेन कहाँ पर जाके सेव होती है? तो देखिए, इनसाइड द विलेन डॉट डैट फाइल, देन फाइल स्टोर फॉर एनवी रैम, ये एनवी रैम में मेरा स्टोर होती है। जो देखिए, इनसाइड द विलेन डॉट डैट फाइल, जब आप देखेंगे तो विलेन डैट फाइल, देन इसके बाद एनवी रैम में आपको विलेन आईडी दिखाएगा। जो जो हम लोग जो भी विलन सेव करते हैं, जो भी विलन क्रिएट करते हैं, वो तो सेव हो जाती है। सेव हो जाने के बाद वो कहाँ पर रहती है? वो एन बी रैम में अंदर रहती है। देन इसके बाद हम लोग जब उसको रिबूट करने के बाद, नहीं तो जब फिर से उसको ओपन करेंगे तो मेरा विलन शो होता दिखाई देगा। नहीं तो आप सेव नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सेव करने के बाद ही ये स्टोर होगा एन बी रैम में। सो आई होप आप लोग को जो विलेन का जो क्वेश्चन है, ये टोटल इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके लिए मैंने थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा शायद ये ट्यूटोरियल, मैं पहली बोलना चाहता था। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारा विलेन का ऊपर क्वेश्चन आती है। तो देखिए, यहाँ पर जो जो ज़्यादातर यूज़ होती है एंड कौन सा पूछ सकती है, थोड़ा सा हटके हैं ये क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर मैंने चूज़ किया है। सो देखिए, ज़्यादातर विलेन के ऊपर छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछती है, बट कोई कोई जगह में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ सकती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन भी दिया है एंड हार्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है। अगर आप विलेन के ऊपर और भी डिटेल जानना चाहते हैं, एक्सेस पोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, डीटीपी क्या है एंड ये सब आपको और भी डिटेल जानना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के नीचे ऑल लिंक्स दे दूंगा। तो आप लोग चाहेंगे तो सबका ट्यूटोरियल मैंने मेरे पहले से है, मैं जरूर दे दूंगा। आप लोग चाहेंगे तो ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो विलेन के ऊपर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछती है। सो इस वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलिए एंड शेयर जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगा तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आप लोग का नेटवर्किंग रिलेटेड कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल क्रिएट करके मैं आप लोग को देने के लिए। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो आने वाले दिन में हम लोग आपके लिए बहुत सारा एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर एंड ट्यूटोरियल लेके आएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।